इस मूवी को देखने के बाद आपको सेक्रेड गेम्स की याद आ जाएगी, क्योंकि मरता नहीं है अपुन, अपुन अमर है। उसे प्यार पे बात करते हैं हमको। और इस मूवी में बात किया गया भाई ट्रांसजेंडर के ऊपर। और जब मूवी स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग से लेके मिडिल पॉइंट तक आपको समझ में नहीं आएगा कि विलन कौन है, हीरो कौन है, भाई आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। और ये भाई इसमें जो ट्रांसजेंडर का जो उन्होंने एक्टिंग किया है भाई, ओ माय गॉड, खत्म कर रहे हैं भाई वो। पर इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स है तो आप फैमिली के साथ इस मूवी को बिल्कुल नहीं देख सकते। वैसे उतना तो आप बायोलॉजी की लैब में भी देख सकते हो, बट ठीक है यार, आप नहीं, मर्जी है भाई आपकी, देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। थोड़े ही टाइम पहले गन्स एंड गुलाब्स आया था, उसके जो मेन विलन थे उनका डायलॉग था कि मैं भाई 7 जन्म ले सकता हूं, मतलब 7 बार मैं मर के जिंदा हो सकता हूं। और इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई डायरेक्ट बोल दिया कि मरता नहीं है अपन। और इस मूवी को देखते टाइम आपको थोड़ा थोड़ा जो सिनेमेटोग्राफी है या जो डायरेक्शन का जो भी लेवल है वो आपको थोड़ा सेक्रेड गेम्स का याद दिलाएगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इंटीमेट सीन्स हैं, या फिर जिस तरह से भी इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है वो आपको थोड़ा थोड़ा उस तरफ ढकेलेगा। बात करें इनके एक्टर्स की तो भाई एक्टर ने क्या खतरनाक काम किया है भाई। अनुराग कश्यप ने मूवी में आए और भाई डायरेक्शन में तो अलग ही लेवल में खेल रहे थे, पर जैसे ही मूवी में आए भाई धमाका, मतलब वो भाई क्या कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या, मतलब कहीं पे भी लेके डालो खत्म कर देंगे वो। बॉलीवुड के बेस्ट से बेस्ट एक्टर से भी वो बहुत ऊपर का काम किया उन्होंने भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्टिंग किया अनुराग कश्यप ने भी। एंड व्हेन इट कम्स टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो भाई उनका तो एक्टिंग लेवल आप सब जानते ही हो भाई, उनका अलग लेवल का एक्टिंग होता है। और इतने अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं ना भाई बॉलीवुड की तरफ से, भाई खत्म हो रहा है, मतलब पूरा एकदम मजा आ रहा है देखने में। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि अगर ये जो मूवी है ये अगर बॉक्स ऑफिस मतलब थिएटर्स में भी आता तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका बहुत हाई जा सकता था, लगभग 50-60 करोड़ के ऊपर ही जाता। इसमें जीशान आयुब हैं, ईला अरुण हैं, भाई देखो जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनका भाई बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे के पूरे मूवी को सेटअप करने में। एक एक कैरेक्टर का मेन रोल है भाई, एक जैसे कि आपने सेक्रेड गेम्स उस मूवीज में देखा होगा, उन सब वेब सीरीज में, या फिर आपने मिर्जापुर में देखा होगा, उसमें जैसे हर एक साइड कैरेक्टर का भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी कैरेक्टर को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका पूरे मूवी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड से लेके स्टार्टिंग तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और मूवी जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो भाई अलग ही वाइब आ रहा होता है, पर जैसे जैसे मिडिल पॉइंट आता है तो हल्का हल्का स्टोरी बनाने लगता है और वहीं पे हल्का हल्का वो स्लो हो जाता है मूवी। जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, जो उसने जो पकड़ा होता है ना भाई स्टार्टिंग में आई थिंक बहुत अच्छा ओपन किया होता है मूवी ने, पर धीरे धीरे स्लो होता है और लास्ट में जाके फिर से पेस पकड़ने लगता है और एंड तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि अब जीतने कौन वाला है, एक्चुअली में कौन जीतेगा। हालांकि हर टाइम हीरो ही जीतता है, पर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लास्ट में कौन जीतेगा, कौन किसको मारेगा, कौन मर रहा है नहीं मर रहा है, जो भाई आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा वो सब होता जाएगा। और ये मूवी 2 घंटे 14 मिनट का है भाई, आपको समझ में नहीं आएगा 2 घंटे 14 मिनट कैसे खत्म हो गए। इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफी, इतना अच्छा डायरेक्शन और इतना अच्छा भाई सबका जो भी हुआ है मूवी में सब अच्छा है। और बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को देता हूँ 8.5 का रेटिंग 10 में से, बिकॉज बीच में थोड़ा सा स्लो था और मैंने भाई जवान का रिव्यू भी डाल दिया तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। और थोड़ी देर के बाद और एक मूवी है जिसका मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।